सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला एक ट्यूटोरियल वीडियो, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे काफी टाइम से कोई भी ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया था एंड मैं काफी चैनल्स को भी ऑब्जर्व कर रहा था एंड मेरे को देखने को मिला कि आजकल ट्यूटोरियल्स काफी कम अपलोड करते हैं लोग एंड मोस्टली फनी ड्रॉइंग्स या फनी चैलेंजेस ही ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, मतलब चैलेंजेस वाली ड्रॉइंग्स एंड ट्यूटोरियल्स देखने को काफ़ी कम मिल रहे हैं। इसके पीछे रीजंस भी है, क्योंकि कोई चैलेंज हो तो उसे ज़्यादा अच्छे व्यूज आते हैं एंड ट्यूटोरियल में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। बट ड्राइंग में प्रोग्रेस करने के लिए ट्यूटोरियल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग्स भी मोस्टली ट्यूटोरियल देख के ही सीखी थी। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने चैनल पर कुछ ड्राइंग ट्यूटोरियल्स की सीरीज अपलोड करूंगा एंड अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं उसे आगे तक कंटिन्यू रखूंगा। सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इसे अच्छा रिस्पांस दें, तो मैं ऐसे ही और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अपलोड करने के लिए थोड़ा मोटिवेट होऊंगा एंड आप तक ऐसे ही थोड़े और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स लेके आ पाऊंगा। सो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप चारकोल पेंसिल का यूज करके एक रियलिस्टिक कर्ली हेयर्स की ड्राइंग कर सकते हैं। सो यस, आज का ट्यूटोरियल है कर्ली हेयर पे एंड मैं केवल चारकोल पेंसिल्स का ही यूज करने वाला हूँ एंड इसके लिए मैं मोस्टली सॉफ्ट ग्रेड एंड हार्ड ग्रेड या मीडियम ग्रेड इन चारकोल पेंसिल्स का यूज करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास राइट रेफरेंस का होना सबसे जरूरी है। सो आज के कर्ली हेयर की इस ड्राइंग के लिए जो मैंने रेफरेंस चूज किया है वो ये है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग से कर्ली हेयर्स हैं इस पिक्चर में। सो इसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को कर्ली हेयर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा। सो लेट्स डू इट। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक हल्की फुल्की रफ आउटलाइन ड्रॉ करने से। सो इसके लिए मैं अपनी रेफरेंस इमेज को ध्यान में रख रहा हूँ एंड उसी को देखते हुए एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मैं उतना एक्यूरेट बनाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसके कुछ बेसिक शेप्स जो हैं वो अपने पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हाइपर रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड हेयर ड्रॉ करना नहीं सिखाने वाला हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी ड्राइंग्स में हेयर्स इजीली ड्रॉ कर सकें एंड वो रियलिस्टिक भी लगें एंड डिटेल्ड एंड हाइपर रियलिस्टिक हेयर्स की ड्राइंग आप धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा तब आप ट्राई कर सकते हैं। बट फिलहाल आज का जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए ही है या अभी जो अपनी ड्राइंग्स में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए है। सो इसलिए मैं ज़्यादा इसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाला हूँ। नाउ मैं अपनी रेफरेंस इमेज को काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए जो हेयर्स की है डिटेलिंग कर रहा हूँ। सो इसके लिए आपको एक्यूरेटली सेम टू सेम बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी डिटेल में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी रेफरेंस इमेज को काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करिए एंड देखिए कि कौन से हेयर का जो पार्ट या ग्रुप है वो किस डायरेक्शन में है एंड वैसे रफली अपनी ड्रॉइंग में भी बना दीजिए। एंड अगर आप चाहें तो अपनी ड्राइंग में हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए इंडेंटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं एंड इंडेंटिंग टेक्निक के लिए आपको आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त ही सारे हाइलाइट्स को भी ड्रॉ करना होता है, बट उसके ऊपर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट आज के इस ड्राइंग में मैं हाइलाइट्स के लिए मोनो जीरो इरेजर्स एंड जेली रोल वाइट जेल पेन का यूज करने वाला हूँ। सो इसलिए मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रेफरेंस इमेज के हिसाब से मैंने कुछ कर्ली हेयर्स जो मेन ग्रुप था उन्हें ड्रॉ कर लिया है। सो आपको मैं सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ कि आपने कर्ली हेयर्स बनाने के लिए सिंपली करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कर्ली हेयर स्ट्रैंड्स ड्रॉ करने के लिए कुछ ऐसा शेप ड्रॉ करना है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, बट आप देख सकते हैं। एंड देन आपको इसमें हल्की सी शेडिंग करनी है बेस लेयर की। सो अभी मैं ग्रेफाइट से बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने HB पेंसिल ली है, या चारकोल में बनाता हूँ तो मैं हार्ड ग्रेड पेंसिल यूज करता हूँ। सो इसका आपको टॉप एंड बॉटम एंड में शेडिंग करनी है एंड बीच वाले पार्ट को हल्का सा लाइट छोड़ देना है ताकि एक शाइनियर जो इसमें इफेक्ट आ सके एंड आपके जो हेयर हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। एंड देन इसे आपने ब्रश हल्की से ब्लेंड करना है। देन एक स्लाइटली डार्कर ग्रेड की पेंसिल लेके आपको सेकेंड लेयर ड्रॉ करनी है एंड आपको हेयर बाय हेयर इन्हें ड्रॉ करना है ताकि एक रियलिस्टिक हेयर का जो है लुक वो आपको दिख सके। सो चारकोल से ड्रॉ करते वक्त मैंने बेस लेयर में हार्ड ग्रेड पेंसिल यूज की थी एंड जो लास्ट लेयर थी या फाइनल लेयर थी उसमें मैंने सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज किया था। Yeah.
नाउ फाइनल लेयर को भी आप ऐसे ही ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हैं। एंड देन हाइलाइट्स के लिए मोनो जीरो इरेजर का यूज कर सकते हैं। एंड ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली रियलिस्टिक लुकिंग कर्ल्स ड्रॉ हो चुके हैं, वो भी काफ़ी मिनिमम एफर्ट से। सो अब मैं इसे अपने जो रेफरेंस इमेज के हिसाब से अपने पेपर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आप काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए देखिए कि आपको कैसे एक्चुअली अपनी ड्राइंग में जब काफ़ी सारे कर्ल्स ड्रॉ करने होंगे तो आप कैसे करें। सो हर पार्ट में आपको अलग अलग तरीके से कुछ ड्रॉ करना होगा। अगर आप सारे पार्ट सेम बनाएंगे तो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो इट्स अबाउट डायरेक्शन एंड स्ट्रोक्स एंड उनकी डार्कनेस। सो उन सभी को आपने थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। सो इस रियल ड्राइंग में मैं बेस लेयर में हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हार्ड ग्रेड की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। सो ये हार्ड ग्रेड की कैमलिन की चारकोल पेंसिल है एंड इसका यूज करके मैं स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ एंड ऑल्सो मैं ऐसे कर्व्स भी ड्रॉ करूँगा। एंड नाउ मैं एक ब्रश का यूज करके इसे हल्के से ब्लेंड कर रहा हूँ एंड ऐसे मैं पूरे पार्ट में एक बार बेस लेयर में हार्ड ग्रेड की पेंसिल का यूज करके पूरी बेस लेयर को ड्रॉ करूँगा एंड कर्ल को मैं वैसे ही ड्रॉ करूँगा जैसे आपको मैंने अभी स्पेसिफिकली ट्यूटोरियल में बताया था। अपर एंड लोअर पार्ट में डार्कनेस एंड बीच वाले पार्ट को थोड़ा साइनी छोड़ देना है। ऐसे ही मैं सारे कर्ल्स ड्रॉ करूँगा एंड आपको सारे कर्ल्स जैसे कि अभी बताया मैंने सेम ड्रॉ नहीं करना है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में, कोई डिफरेंट साइज में, ताकि थोड़ी वैरायटी और आपके हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। सो इन बातों को अपने माइंड में ध्यान देना होगा। एंड बीच बीच में आपको अपनी पेंसिल भी साफ करते रहनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी पेंसिल की टिप शार्प होगी तो जो हेयर स्ट्रैंड हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट बनेंगे एंड ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू शार्प द पेंसिल एज वेल। So as you can see, base layer is kind of almost done and it's looking actually good too. So now I'm blending the base layer with a flat synthetic brush and मैं काफ़ी ज़्यादा फोर्स का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ब्लेंड करने में। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो हेयर स्ट्रैंड्स में जो हल्की हल्की डिटेलिंग है वो बने रहे बट साथ ही हल्का सा ब्लेंड भी हो जाए ताकि ये ज़्यादा अनइवन ना लगे एंड एक सिमिलर फॉर्म में या सिमिलर टोन में लगे। इसलिए मैं जो हाइलाइट्स हैं उन्हें हल्का फुल्का छोड़ते हुए उस जगह पे कम ब्लेंडिंग करते हुए बाकी जो डार्कर एरिया हैं उसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि जो हाइलाइट्स हैं वो मेरी बचे रहें एंड मुझे अगले लेयर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम हाइलाइट्स इन द ड्राइंग। सो मैं इसके लिए मोनो जीरो इरेजर का यूज कर रहा हूँ एंड मोनो जीरो इरेजर का यूज करके मैं काफ़ी केयरफुली कुछ हेयर स्ट्रैंड्स को इरेज कर रहा हूँ जिससे वो हाइलाइटेड लग सकें एंड ड्राइंग में जो हेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगें। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर हम अपनी ड्राइंग में हाइलाइट्स ऐड करते हैं तो उससे ड्राइंग लाइक 50 टाइम्स ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ हाइलाइट्स इन योर ड्राइंग।
जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा बेटर लगने लगी है। एंड मोनो जीरो रेजर आर रियली ग्रेट फॉर दिस पर्पज। आप इससे काफ़ी प्रिसाइजली कोई भी हाईलाइटेड वर्क काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं। नाउ मैं सॉफ्ट ग्रिड की चारकोल पेंसिल का यूज करके एक नई लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो हेयर की ओपेसिटी या डार्कनेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। एंड जितनी डार्कनेस इंक्रीज होगी हेयर उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगेंगे एंड हाईलाइट उतनी ज़्यादा अच्छी से दिखेंगी। सो सेकेंड लेयर को भी मैं बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स में ड्रॉ कर रहा हूँ जो स्टेप्स मैंने फर्स्ट लेयर में यूज किए थे। सो इस काइंड ऑफ रिपीटिंग द होल प्रोसेस, यू नो, फर्स्ट ड्रॉइंग बेस लेयर एंड हाईलाइट्स ब्लेंडिंग एंड ऑल। सो मैं इसके कुछ शेप को चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो एरिया जहाँ पे थे बिल्कुल उसे वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड मैं हाईलाइट को बिल्कुल वैसा ही छोड़ रहा हूँ, हाईलाइट के ऊपर मैं कोई पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ ताकि वो बने रहें इस ड्राइंग में। वरना अगर आप चारकोल ज़्यादा हार्डली प्रेस करते हैं तो इरेज होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर मैंने हाईलाइट्स के ऊपर भी चारकोल पेंसिल यूज कर दी तो मैं वो इरेज नहीं कर पाऊँगा ईजिली एंड ड्राइंग से ख़राब हो सकती है। सो आप देख सकते हैं पिछले लेयर की तरह ही मैंने इस लेयर में भी ब्लेंडिंग कर ली एक ब्रश का हेल्प करके। नाउ मैं मोनो जीरो रेजर का यूज करके फिर से इस लेयर में हाईलाइट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं जो हेयर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा डार्क लगने लग गए हैं एंड हेयर भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। सो नाउ लास्ट स्टेप, जिसके लिए आपको चाहिए एक वाइट जेल पेन, जेरी रोल पेन। एंड आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन पे मैंने डिटेलिंग की भी है। एंड हाँ, इससे पहले आपको अपनी ड्राइंग में कुछ फिक्सेटिव स्प्रे का यूज कर लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली चारकोल के ऊपर बेटर वर्क नहीं कर पाती है जेल पेन। नाउ वी आर गुड टू गो एंड ऐड सम हाइलाइट्स। सो अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल थैंक यू गाइस, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग ही हैं जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो एंड तक नहीं देते हैं एंड स्पेशली ट्यूटोरियल्स तो बहुत ही कम देखते हैं, उसका एवरेज व्यू टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच गाइज। नाउ ग्रैब अ ब्रश एंड ब्लेंड द एंड्स अ लिटिल बिट। एंड इट्स डन। सो कितने सिंपल स्टेप्स में रियलिस्टिक हेयर्स की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल पौननाथ आर्ट। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल मुझे किसके ऊपर बनाना चाहिए। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। फिलहाल के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।